नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त मनीष जार। तो गुजरात के बहुत सारे किसान भाइयों ने सिर्फ एक ही एक कमेंट किया था कि हमें मूंगफली थ्रेसर चाहिए जो कि सबसे बेस्ट हो। तो आज आपके लिए मैं आया हूँ राजस्थान के अंदर जयपुर ज़िले के बगरू में। तो सर से जानेंगे कि ये इसमें स्पेशल क्या होने वाला है, 2021 में न्यू टेक्नोलॉजी पर क्या आधारित है। तो सर सबसे पहले तो आप किसान भाइयों को अपना परिचय और दीजिए। सर ये इस पर हरिओम इंजीनियरिंग है, NHR बगरू से बोल रहा हूँ मैं। ये मूंगफली की थ्रेसर है, पहले तो इसके ऊपर चढ़ के गाला देना पड़ता था, आजकल नीचे का सिस्टम कर दिया इसमें। तो सबसे पहले किसान भाई को ये बताइए, इससे कलर क्यों नहीं करवा रखा आपने? कलर कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है, वो कलर जिसकी चॉइस है कोई सा भी करवा लो। किसान भाई वो आपकी चॉइस रहती है कि आप कौन सा कलर करवाना चाहते हो, जो भी आपको कलर पसंद हो आप इनको बता दीजिएगा, ये कलर करके आप तैयार कर देंगे, क्यों ना सर? हाँ सर। तो सर जैसे कि ये सिस्टम देख रहे हैं, ये सिस्टम किस चीज़ का है सर? ये सिस्टम एलिमेंटर, इसको चैन को अपन ऊपर लेना चाहोगे तो ये ऊपर आएगा। इसमें मूंगफली गिरने का सिस्टम है, पहले तो ऊपर चढ़ के डालना पड़ता था, आजकल पास में से डाल दो इसमें। तो किसान भाई ये सिस्टम आपको इसको एडजस्टमेंट करने का है कि आप कितना ऊपर रखना चाहते हैं कितना नीचे रखना चाहते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। और इसके 2021 में इसमें नया क्या है सर? इसमें नया एक पंखा और लगा दिया। हम ये सिस्टम नया देख रहे हैं मूंगफली थ्रेसर में, तो ये किस चीज़ का सिस्टम है? ये मूंगफली साफ करने का है, ये यहाँ से फिल्टर करेगा साफ मूंगफली को, फिर ये एलिमीटर में आएगा, ये डायरेक्ट ट्रॉली भरने का है। तो जो भी कचरा आएगा मूंगफली के साथ वो वापिस इसमें से फिल्टर होकर वापिस पेन नहीं, ये उधर पहली तरफ चला जाएगा, ये चालने के ऊपर। हाँ, चालने के ऊपर। और ये ट्रॉली वाला सिस्टम, तो सर इसके अंदर जो चेन वाला सिस्टम है या जो प्लेट? चेन वाला जिससे कि मूंगफली कूटने का सिस्टम नहीं, कोई इसमें कोई आती नहीं है मिस्टेक इसमें। तो आपको किसान भाई इसके अंदर चेन वाला सिस्टम है जिसके आप ही मांग, टूट फूट की शिकायत ज़्यादा आती है कस्टमर, फिर वहाँ से प्रॉब्लम आती है, तो चेन वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये 10 की स्पीड में चलेगा। और व्हील कितने हैं सर आपकी मशीन में? इसमें व्हील एक है। और कितना वेट है व्हील का? व्हील का है 180 kg। तो किसान भाइयों व्हील भी बहुत भारी है जिससे कि आपकी ट्रैक्टर पर लोड नहीं पड़ेगा, ये आपके लिए बहुत मिलेंगे अपनी मशीन में इसमें। और 10-11 की स्पीड में चलेगा, ये 3.5 लीटर में ही चलेगा। और किसान भाई को ये भी बताइए कि कितने HP का ट्रैक्टर होना ज़रूरी है? इसमें 35 HP। तो किसान भाई वो आपके पास कम से कम 35 HP का ट्रैक्टर होना चाहिए अगर आप मूंगफली थ्रेसर लेने की सोच रहे हैं। और सर ये सिस्टम किस चीज़ का है? ये वो अपने वो पीछे का कचरा आएगा ना इसमें, वो है क्या आता है मूंगफली का, तो वो भूसा वूसा जो भी आता है कचरा वचरा सब इससे ही होके आएगा। और ये सिस्टम, सभी सिस्टम के बारे में किसान भाई को? ये सिस्टम ये दो लगा दिए इसको चलाने के लिए, ये यहाँ बेल्ट चढ़ा दो अपने, ये इससे चलेगा। अपन इसको ऊपर लेना चाहे तो ये बेल्ट उतारनी पड़ेगी, फिर ऊपर जाना पड़ेगा इसको, अगर जो डोला है उसको चलाने के लिए, ये इसको ऊपर करने के लिए बेल्टों को चेंज करना पड़ेगा। हाँ, उतारना पड़ेगा बेल्टों को, उतार के वापस चलाना पड़ेगा, दो ही बेल्ट उतारनी पड़ेगी। और भी इसके चालने के बारे में किसान भाई को बता दीजिए। इसमें एक ही चाल आती है, एक ही चाल आपको चेंज करने की जरूरत नहीं। चना और मूंगफली दोनों आइटम निकलते हैं, केवल दो ही फसल निकलेगी। हाँ, इसमें दो ही फसल। और तो सर इसके गवर्नमेंट द्वारा सब्सिडी मान्य प्राप्त है या? इसमें है वो 25% है, वो अभी राजस्थान सरकार पर, तो अगर आप अलग स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपको पूछना पड़ेगा अपने कृषि विभाग में जाकर कि इसके अंदर सब्सिडी है या नहीं है। और भी कुछ किसान भाइयों के लिए बताइए। ये चेचिस फोल्डिंग दे दिया अपन ने, अपने PTO का सेंटर नहीं आते हैं तो इसको जहाँ चाहे जहाँ सेटिंग कर सकते हो। जो ट्रैक्टर एक साइज का नहीं होता है, कभी हैवी ड्यूटी का होता है ट्रैक्टर, तो वो PTO का सेंटर नहीं मिलता है, तो ये नट खोलो और उसको चालू सेटिंग कर लो अपने यहाँ से। तो पहले किसान भाइयों को बेल्ट चेंज करनी पड़ती थी सेटिंग करने के लिए, तो आपने यही दे दिया सारा सिस्टम? हमने यही दे दिया, ये पायलट बेयरिंग दे दिए हैं, तो मशीन वाइब्रेट नहीं करेगी बिल्कुल भी। और अगर कोई किसान भाई इस मशीन की स्पीड कम करना चाहता है ज़्यादा करना चाहता है उसके लिए? वो फिर ट्रैक्टर के RPM के हिसाब से, इसमें मेसी के जितने 540 RPM आएंगे ना सेम चलेगी है, जैसे सोना लिखा गया 1000 RPM हो गए तो वो पुली चेंज करनी पड़ेगी अपने को। और कब से किसान भाइयों के लिए आप मूंगफली थ्रेसर बना रहे हो? ये हमारे को गए 40-50 साल हो गए सर। तो किसान भाई इनके पास 40-50 साल का ये एक्सपीरियंस है, और जैसे कि बहुत ही ज़बरदस्त है मूंगफली थ्रेसर, तो दिखने में भी आपको पता लग रहा होगा हैवी ड्यूटी की मशीन दिख रही है। तो आपने कौन सा चादर यूज़ किया हुआ सर? इसमें 4 mm 4 mm 12 gauge 16 gauge 14 gauge 4 तरह की चादर लगती है इसमें। तो बहुत ही हाई क्वालिटी का आपने चादर यूज़ किया हुआ। और इसमें 6-3 का चेचिस है, मार्केट में 5-2.5 की चैनल लगाते हैं, हम लगाते हैं 6-3 की। तो किसान भाइयों को 6-3 का जो सबसे बड़ा चेचिस है वो किसान भाइयों को मिलने वाला है? भाई किसान को मेंटेनेंस नहीं आना चाहिए सर, मेंटेनेंस आएगा तो वो खरीदेगा नहीं मशीन को।
टूट फाट आएगी मशीन चलाएगा या टूट फाट को सही कराएगा वो? अगर आप किराए पे मशीन चला रहे हो, अगर आपके खेत पे कुछ टूट फाट हो जाती है, 10 दिन बंद रहती है, तो किसान भाई को तो बहुत नुकसान हो जाएगा। और सर इसके ब्लेडों के बारे में किसान भाई को बताइए। इसमें गीले माल में प्रॉब्लम नहीं आती है, आजकल मूंगफली गीली निकालते हैं तो सूखी के अंदर तो नॉर्मली निकलता है, मैं गीली आराम से निकालता है, ट्रैक्टर को लोड नहीं पड़ेगा इसमें, 50% तक आराम से गीली माल निकालेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी किसान। और इसके अंदर कितने ब्लेड हैं? इसके अंदर 60 ब्लेड है। 60 ब्लेड किसान भाई को जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्लेड हैं वो मिलने वाली है। और कुछ इसके बारे में किसान भाइयों के लिए? इसकी फुल गारंटी है हमारी, और ग्राहक आराम से नो टेंशन हो के मशीन ले जाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। बुकिंग की प्रोसेस क्या रहेगी, जैसे किसान भाई कोई खरीदना चाहता है? कस्टमर बुकिंग देना चाहे तो ऑनलाइन भी हो जाएगा, यहाँ आके साइड देना चाहे तो भी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई किसान भाई घर बैठे थ्रेसर मंगवाना चाहता है तो पहुँच जाएगी। तो बुकिंग की प्रोसेस तो आप इनसे बात कर लेंगे, जो नीचे आपको नंबर दिख रहे हैं, आप इनको कॉल करके सारी जानकारियाँ ले सकते हैं। और अगर कुछ किसान भाई की समस्या आई तो आप उसका समाधान करो? हम जाते हैं खुद वहाँ, सर्विस देते हैं, ग्राहक को संतुष्ट करते हैं बिल्कुल, कहीं भी हो ऑल राजस्थान में। तो किसान भाई अगर कोई गुजरात से बिलोंग होता है महाराष्ट्र, आपके पास तो सुविधा पहुंच जाएगी। और वैसे कुछ समस्या आने वाली तो नहीं है, लेकिन फिर भी टेक्निकल मशीनरी है तो कुछ भी आ जाती है, तो आपके पास ये आएंगे या आपकी मशीनरी को ठीक रहेगी, आपको कोई भी समस्या लेने की गारंटी है साल भर की, मशीन की साल भर की गारंटी भी मिल रही है। और सब्सिडी तो आपको अपने कृषि विभाग से मालूम करना ही पड़ेगा। और तो आशा करते हैं किसान भाइयों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और अपने सभी किसान भाइयों के पास ये वीडियो पहुंचाएं, जिनको उनको पता चल सके कि एक शानदार मूंगफली थ्रेसर है जो कि बगरू में हरियों में इंजीनियरिंग द्वारा बनाई जा रही है। और फिर मिलते हैं एक और अगले वीडियो में, तब तक जय जवान जय किसान।